वेस्ट बंगाल स्टेट के कुछ केसेस ऐसे हैं जो कोर्ट्स में छाए हुए हैं, चाहे फिर बात वहाँ हुए वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट या पॉलिटिकल राइवलरी की ही क्यों ना हो। इन केसेस ने इलेक्शन से पहले से भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। जहाँ ये केसेस कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर कोर्ट्स में चल रहे थे, उसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए, और ये इंसिडेंट गवर्नर के राजभवन का था। राजभवन की एक फीमेल एम्प्लॉय ने जब ये एलिज किया कि उसे दो ओकेजन्स पर गवर्नर ने इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश की है, तो इस खबर ने न केवल आम जनता बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स को भी काफी गुस्सा दिला दिया। अब पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को इस इशू पर काफी वोकल देखा गया है, जिसके चलते उन्हें वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंदा बोस के डिफेमेशन सूट का भी सामना करना पड़ा। दरअसल यहाँ हम बात कर रहे हैं कलकत्ता हाईकोर्ट में देखे गए एक हाई वोल्टेज ड्रामा की, जहाँ जस्टिस कृष्णा राव ने जुलाई 15 को बनर्जी, वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के दो इलेक्टेड मेंबर्स और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर के खिलाफ इंटरिम इंजंक्शन पास किया था। आपको याद होगा कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने उनके अगेंस्ट आए ऑर्डर को चैलेंज करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अपील फाइल की थी, जिसमें उन्हें गवर्नर सीवी आनंदा बोस के खिलाफ कोई डेफामेटरी और इनकरेक्ट स्टेटमेंट देने से रोका गया था। ये अपील पिछले थर्सडे को फाइल हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्ली पर कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई कर ली है और अपना फैसला भी सुना दिया है। सिंगल जज बेंच के ऑर्डर के खिलाफ फाइल की गई इस अपील पर जस्टिस आईपी मुखर्जी और जस्टिस विश्वरूप चौधरी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा है कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बयान, जिन पर गवर्नर सीवी आनंदा बोस ने उन्हें सू किया था, वो डेफामेटरी नेचर के नहीं थे। डिवीजन बेंच का कहना है कि अगर चीफ मिनिस्टर बनर्जी के स्टेटमेंट्स डेफामेटरी नहीं है, तो उन्हें गवर्नर के रिलेशन में बयान देने का पूरा अधिकार है, जिसके बाद डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के ऑर्डर को मॉडिफाई किया। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि गवर्नर बोस ने हाईकोर्ट का रुख किया था जब बनर्जी ने बयान दिया था कि वेस्ट बंगाल के राजभवन में रीसेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस के कारण महिलाएं वहां एंटर करने में अनसेफ फील करती है। सिंगल जज जस्टिस राव ने अपने ऑर्डर में कहा था कि बॉस एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो पर्सनल अटैक्स का जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके नहीं दे सकती। सिंगल जज ने ये भी कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार अनफेटर्ड नहीं है और इसके नाम पर डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स देकर किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को टार्निश नहीं किया जा सकता। सिंगल जज की कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि ये कोर्ट ये व्यू रखती है कि एप्रोप्रिएट केसेस में जब कोर्ट को लगता है कि स्टेटमेंट्स रेकलेस मैनर में दी गई है, प्लेंटिफ की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए कोर्ट इंजंक्शन देने में जस्टिफाइड है। जस्टिस राव ने अपने ऑर्डर में स्टेट किया था, दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट इन एप्रोप्रिएट केसेस वेयर द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड इन रेकलेस मैनर इन ऑर्डर टू कॉज इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ द प्लेंटिफ, द कोर्ट वुड बी जस्टिफाइड इन ग्रांटिंग इंजंक्शन। जस्टिस कृष्णा राव के ऑर्डर में ये भी ऐड था दैट इन व्यू ऑफ द अबव द डिफेंडेंट्स आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मेकिंग एनी डेफामेटरी और इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ बाय वे ऑफ पब्लिकेशन एंड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टिल 14th ऑफ अगस्त 2024। हालांकि इस ऑर्डर के बाद ही चीफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे एडवोकेट संजय बासु ने कहा था कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ऑनरेबल कोर्ट ने अब तक किसी फाइंडिंग या कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा है कि सूट में चैलेंज स्टेटमेंट्स डेफामेटरी या इनकरेक्ट थी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिर्फ उन महिलाओं की एप्रीहेंशन को रेफर कर रही थी जो उनके पास आई थी। उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है जो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर गारंटीड है। बासु ने ऐड करते हुए कहा था कि एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और एक महिला के रूप में वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती और महिलाओं की फेल्ट सफरिंग्स और ग्रीवियंसेस को इग्नोर नहीं कर सकती। इसीलिए जब चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स को डेफामेटरी नहीं पाया गया, हम बिलीव करते हैं कि जर्नल रिस्ट्रेंट ऑफ स्पीच का ऑर्डर अनफाउंडेड है और अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस ब्लैंकेट गैग ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि क्या डिवीजन बेंच के आए इस ऑर्डर के साथ कलकत्ता का राजनीतिक माहौल क्या और गर्म हो जाएगा और क्या दोनों अथॉरिटीज के बीच में दूरियां और बढ़ जाएंगी? क्या हमें डिवीजन बेंच के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब हमें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तब तक अगर हम एक बार फिर से रिकॉल करें कि ये पूरा मामला और पॉलिटिकल क्लैश कब से शुरू हुआ, तो इसके लिए हमें एक कंट्रोवर्सी पर जाना होगा जब एक कॉन्ट्रेक्चुअल वुमेन एम्प्लॉई ने मई 2 को गवर्नर के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगाया था। पर क्योंकि आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स गवर्नर के खिलाफ उनके टर्म के दौरान इनिशिएट नहीं की जा सकती, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन थम गई। पर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने अपने ओपिनियन इस मुद्दे से हटाए नहीं थे। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने इंसिडेंट के बाद गवर्नर बोस की इस हरकत को लताड़ा था और कहा था, इफ नाउ कॉल्ड टू द राजभवन आई विल नॉट गो।
इफ द गवर्नर वॉन्ट्स टू स्पीक टू मी ही कैन कॉल मी ऑन द रोड एंड आई विल मीट हिम देयर आफ्टर हियरिंग अबाउट योर मिसडीड्स सिटिंग विद यू इज अ सिन। चीफ मिनिस्टर के बार बार क्रिटिसाइजिंग रिमार्क्स देने के बाद गवर्नर बॉस को कहते हुए सुना गया था कि ये उम्मीद होती है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एरोनियस और स्लेंडेरियस इंप्रेशंस क्रिएट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि केस हियरिंग से पहले भी अपने डिफेंस में उन्होंने एड्रेस किया था दैट एनीवन हु विल हर्ट माय सेल्फ रिस्पेक्ट ही और शी विल हैव टू फेस द कंसीक्वेंसेस। शी इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल कलीग आई गिव हर रिस्पेक्ट फॉर दैट बट सिंस माय सेल्फ रिस्पेक्ट हैव बीन क्वेश्चन्ड आई हैव फाइल्ड अ डिफेमेशन केस। सिर्फ इतना ही नहीं एक और एक्शन जो गवर्नर की तरफ से देखने को मिला था वो ये था कि उन्होंने वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह दोनों को एक लेटर लिखा था ये डिमांड करते हुए कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर श्री विनीत गोयल आईपीएस डीसीपी श्रीमती इंदिरा मुखर्जी और राजभवन पर पोस्टेड पुलिस टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गवर्नर ने अपने ऊपर लगाए गए एक राजभवन एम्प्लॉय के द्वारा इल्जामों को झूठा और बनावटी कहा था। राजभवन से आई कम्युनिकेशन में कहा गया था कि डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने 3 मई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को इल्जाम और पुलिस की कार्रवाई की डिटेल दी है जो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का उल्लंघन है। गवर्नर ने कमिश्नर ऑफ कोलकाता पुलिस पर भी इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स करने का इल्जाम लगाया है। जहां वेस्ट बंगाल गवर्नर के ये एक्शंस देखने को मिले वहीं वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर भी पीछे नहीं रही थी। सिंगल जज के ऑर्डर को चैलेंज तो उन्होंने किया ही लेकिन साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी वेस्ट बंगाल गवर्नर के अगेंस्ट एक केस फाइल किया जो उनके द्वारा बिल्स पर एसेंट ना देने से डील करता था। सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई वेस्ट बंगाल की प्ली में ये सबमिट किया गया है कि गवर्नर का ओमिशन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को डिफीट और सबवर्ट करता है और लोगों के राइट्स को इन्फ्रिंज करता है जो वेलफेयर मेजर्स बिल्स के थ्रू इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। सरकार ने बताया है कि पहले 6 बिल्स को असेंट के लिए भेजा गया था जब जगदीप धनकर गवर्नर थे। आखिरी 2 बिल्स सीवी आनंदा बॉस के गवर्नर बनने के बाद पास किए गए। पिटीशन में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के तेलंगाना गवर्नर के केस में डायरेक्शन का रेफरेंस दिया है जिसमें कहा गया है कि गवर्नर्स को बिल्स को जितना जल्दी हो सके रिटर्न कर देना चाहिए आर्टिकल 200 के मैंडेट के अनुसार। उन्होंने पंजाब गवर्नर के केस में डायरेक्शन का भी रेफरेंस दिया था जिसमें कहा गया था कि गवर्नर्स सिंपली बिल्स को होल्ड करके लेजिस्लेचर को वीटो नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में जस्टिसेस जेबी परदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 26 जुलाई को वेस्ट बंगाल के गवर्नर के सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से यूनियन को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल के मामले को कंसीडर करने का फैसला किया है और पिटीशनर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू यूनियन को इम्प्लीट करने की अनुमति दी है। नोटिस इशू करने का फैसला करते वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता से पॉइंट्स को फॉर्मुलेट करने को भी कहा है। अब ये समझ पाना कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये केस सीएम के अगेंस्ट फाइल किए गए डेफामेशन केस का जवाब है या फिर सही मायनों में सरकार इस इशू को लेकर तंग है ये काफी मुश्किल है। पर एक बात तो तय है कि सरकार और गवर्नर के बीच की ये दूरियां कहीं ना कहीं सिटीजंस को जरूर इम्पैक्ट कर रही है। इस खबर पर आपका क्या कहना है? Do let us know in the comments and keep following Law Chakra.